नमस्ते दोस्तों मैं राजा रिया स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अप्रेंटिस सिंह गुरु जी के एक और नए एपिसोड में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीजीटी के द्वारा जारी किए गए उस पत्र के बारे में जिसमें डीजीटी के द्वारा अप्रेंटिसशिप की जो योग्यता है उसको एक्सपीरियंस के तौर पर काउंट करने के बारे में निर्देश जारी किए गए हैं लेकिन दोस्तों आप जानते ही हैं कि अप्रेंटिसशिप भी कई तरह की होती है जैसे कि डेजिनेटेड अप्रेंटिसशिप ऑप्शनल अप्रेंटिसशिप या फिर प्रेसर अप्रेंटिसशिप और इस पत्र की खास बात यह भी है कि इसमें केवल एक ही प्रकार की अप्रेंटिसशिप ऐसी है जिसके लिए एक्सपीरियंस के तौर पर हम अप्रेंटिसशिप को काउंट कर सकते हैं तो दोस्तों कौन सी है वो अप्रेंटिसशिप और क्या आप उस अप्रेंटिसशिप की कैटेगरी में आते हैं तो इसी बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो वीडियो के यहाँ तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लें तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों हमारे सामने डीजीटी के द्वारा जारी किया गया है लेटर ओपन हो चुका है तो यह लेटर दिनांक 19 दो 2024 को जारी किया गया है और यह लेटर सभी इंप्लॉय मिनिस्टर्स डिपार्टमेंट्स सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज़ेज, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड अदर्स और उसके साथ साथ ऑल द स्टेट यानी सभी स्टेट्स को और सभी यूटी गवर्नमेंट्स को जारी किया गया है इसके साथ साथ सभी स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को भी जारी किया गया है और इस पत्र का जो सब्जेक्ट है वो है कॉन्सिडरेशन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर गोन बाई आई टी आई पास कैंडिडेट एंड हैविंग नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन द डेजनेटेड ट्रेड एज वर्क एक्सपीरियंस रिगार्डिंग तो दोस्तों यहाँ पर यही बताया गया है कि जो अप्रेंटिसशिप पास कैंडिडेट हैं जो कि आई टी आई पास करके अप्रेंटिसशिप लगते हैं और डेजिनेटेड ट्रेड में जो अप्रेंटिस लगते हैं उनका जो सर्टिफिकेट है वो वर्क एक्सपीरियंस के तौर पर काउंट करने के बारे में तो दोस्तों लेटर में आगे बढ़े तो यहाँ पर बताया गया है कि आई एम डायरेक्टेड टू इनवाइट योर काइंड अटेंशन ऑन द सब्जेक्ट मेन्स अबो यहाँ पर यही बताया गया है कि ऊपर जो भी सब्जेक्ट दिया गया है मैं उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ टू से सक्सेसफुली कम्पलीटेड स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी वो कैंडिडेट जिन्होंने आई टी आई से सफलतापूर्वक अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है एंड प्रोसेसिंग नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट और उनके पास अब नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है अंडर गो अप्रेंटिसिप ट्रेनिंग इन एस्टेब्लिशमेंट एज एन अप्रेंटिसिप और जिसने किसी भी प्रतिष्ठान में अपनी ट्रेनिंग पूरी की है इन ए रेलिवेंट डेजिनेटेड ट्रेड अंडर द अप्रेंटिसिप एक्ट 1961 और वह एक ऐसी ट्रेड जो कि अप्रेंटिसिप अधिनियम 1961 के अंदर आती है नोटिफाइड विद द अप्रूवल ऑफ सी ए सी यानी सेंट्रल अप्रेंटिसिप काउंसिल और जो सेंट्रल अप्रेंटिसिप काउंसिल के अंतर्गत हो तो दोस्तों यहाँ पर यही जिक्र किया गया है कि इसमें वो कैंडिडेट काउंट होंगे जिन्होंने आई पास कर रखी है और आई आई पास करने उपरांत डेजिनेटेड ट्रेड में अप्रेंटिसिप की हुई है और ये डेजिनेटेड ट्रेड भी वो ट्रेड हों जो सेंट्रल अप्रेंटिसिप काउंसिल के द्वारा पास की गई हों दीज अप्रेंटिस वाइल अंडर गोइंग अप्रेंटिसिप ट्रेनिंग इन रियल वर्किंग कंडीशन आर ऑल्सो एक्सपोज टू वर्क ऑन वेरियज मशीन्स तो दोस्तों यहाँ पर यह बताया गया है कि ये जो अप्रेंटिस होते हैं ये अप्रेंटिसिप ट्रेनिंग करते समय एक जो रियल वर्किंग कंडीशन है उसको फेस करते हैं और विभिन्न मशीनें और उपकरणों के साथ कार्य करते हैं एंड इक्विपमेंट एंड टू द इंडस्ट्री स्पेसिफिक बेस्ट प्रैक्टिस और इंडस्ट्री के अंदर जो भी कार्य किए जाते हैं जो भी अभ्यास किया जाता है वो सारा इन्हीं

वर्क एक्सपीरियंस के तौर पर काउंट किया जाएगा टू दोज अप्रेंटिस विद आई टी आई क्वालिफिकेशन अंडर शेड्यूल वन ऑफ द अप्रेंटिसिप रूल्स नाइनटीन नाइनटी टू और इसमें वो सभी अप्रेंटिस काउंट होंगे जो आई टी आई क्वालिफाइड हैं और इनकी जो पूरी डिटेल है वो शेड्यूल वन ऑफ अप्रेंटिसिप रूल्स उन्नीस सौ बानवे के अंतर्गत की गई है वो पोजिस नेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट फॉर इंप्लॉयमेंट अंडर सेंट्रल स्टेट डिपार्टमेंट स्टेबलिशमेंट्स और जिसके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट भी किसी भी सेंट्रल स्टेट या किसी भी स्टेबल से हो सकता है तो दोस्तों कुल मिला बात यही है कि जो आई पास आउट कैंडिडेट हैं और उसके बाद जो अप्रेंटिसशिप करते हैं तो ऐसे कैंडिडेट को ही एक्सपीरियंस के तौर पर उसका जो शिक्षुता का प्रमाण पत्र है उसको माना जाएगा दोस्तों तीसरे नंबर पर यहाँ पर बताया गया है यू आर देर फॉर रिक्वेस्ट टू इंप्लीमेंट द डिसीजन एंड द अमेंड इन कॉरपोरेट सुटेबली इन द रिक्रूटमेंट रोल्स फॉर सच पोस्ट शो दैटिडेटेसिंग एन एस सीज ड्रेनिंग एज स्टेटेडर्ड एज एक्सपीरियंस तो दोस्तों यहाँ सभी डिपार्टमेंट को सभी सेंटर और स्टेट पब्लिक सेक्टर को यह पत्र भेजते हुए यही कहा गया है कि जब भी वो अपना कोई भी रिक्रूटमेंट निकालें तो उसमें आई टी आई के साथ साथ जो एन ए सी पास्ट कैंडिडेट है तो उनकी एन ए सी का जो सर्टिफिकेट है उसको एक्सपीरियंस के तौर पर काउंट करें इट इज ऑल्सो इनफॉर्म डेथ दोस्तों जो चौथा पॉइंट यहाँ पर दिया गया है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है तो आप सभी को इस पॉइंट को ध्यान से सुनना है द डिसीजन इज एप्लीकेबल प्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ दिस ऑर्डर और दोस्तों यह जो डिसीजन है वो इस पत्र की तारीख के साथ ही लागू हो जाएगा यानी जिस तारीख को यह पत्र जारी किया गया है उसी तारीख से यह नियम लागू हो जाएगा इन द केस ऑफ स्कूल पास आउट्स अप्रेंटिस वो हैव कम्प्लीटेड अप्रेंटिस ट्रेनिंग इन ए डेजिनेटेड ट्रेड एंड पोजेसिस एन ए सी तो दोस्तों जैसे कि हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर फ्रेशर अप्रेंटिस के बारे में बताया गया है दोस्तों फ्रेशर अप्रेंटिस वो होते हैं जो नॉन आई टी आई कैंडिडेट होते हैं दोस्तों फ्रेशर अप्रेंटिसशिप में कैंडिडेट को आई टी आई पास करने की आवश्यकता नहीं होती जबकि उसका अप्रेंटिसिप का जो ड्यूरेशन है उसको ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है और ये दसवीं पास या ट्वेल्थ पास कैंडिडेट होते हैं तो यहां पर उन्हीं के बारे में बताया गया है कि इनकी जो अप्रेंटशिप ट्रेनिंग है उसको केवल ट्रेनिंग मात्र ही समझा जाएगा दे डू नॉट एनी एनी प्रायर स्किल टेक्निकल ट्रेनिंग फ्रॉम प्रोजेसिस क्योंकि उनके पास पहले की कोई भी प्रायर जो स्किल की ट्रेनिंग है वो नहीं होती सच ट्रेनिंग इन ए डेजिनेटेड ट्रेड तो दोस्तों वो जो कैंडिडेट जो फ्रेशर कैटेगरी में आते हैं उनका जो अप्रेंटशिप का सर्टिफिकेट है वो एक्सपीरियंस के तौर पर काउंट नहीं होगा तो दोस्तों इसके साथ ही ऑप्शनल ट्रेड के बारे में भी यहाँ कोई जिक्र नहीं किया गया है तो यहाँ पर जो जिक्र किया गया है वो केवल डेजिनेटेड ट्रेड से अप्रेंटिसिप के बारे में किया गया है तो दोस्तों जब भी आप अप्रेंटिसिप करते हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें क्योंकि कई कंपनियाँ आई होल्डर कैंडिडेट्स को ऑप्शनल ट्रेड में एज ए अप्रेंटिस लगा लेती हैं तो यदि डिजिटी के इस पत्र की यदि हम गौर करें तो उनका जो ऑप्शनल ट्रेड में की हुई अप्रेंटिस एक्सपीरियंस के तौर पर भी काउंट नहीं होगी तो आप अगली बार जब भी आपके अप्रेंटिस लगे तो आप इस चीज का ध्यान अवश्य रखें तो दोस्तों मैं ऐसा करता हूं कि मेरे इस आपकी डिजिटी के द्वारा जारी किए गए पत्र के बारे में जो डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे तो दोस्तों यदि आपकी क्वाइरीज दूर हुई हैं या आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक वैसे जरूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें तो आज के लिए वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए